हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक समल और मेरे पास आज जो है ON5, ये थोड़ा हैंग हो रहा है सेट। तो कैसे इसको फ्लैश करते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, ये है सैमसंग का ON5। तो मैं आपको थोड़ा मॉडल दिखा दे रहा हूं। देखिए, सेट जोर से हैंग हो रहा है। तो ये मॉडल है, देखिए, SM-G550FY। देखिए, ये मॉडल नंबर SM-G550FY। तो हम इसको आज फ्लैश करेंगे। तो कैसे करते हैं मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। तो पहले तो इसका फ्लैश फाइल डाउनलोड करना है। देखिए, आप आ जाए पहले गूगल में, यहाँ पर टाइप कर लीजिए सैमसंग और सैमसंग ON5 फ्लैश फाइल। ओके, देखिए यहाँ पर, देखिए सैमसंग ON5 मैंने जो मॉडल बताया, देखिए G550FY, ये है मॉडल उसका। तो मैं आपको थोड़ा मॉडल दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर पीछे देख लीजिए आप, सैमसंग का G550FY। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, और अगर लिख लेते हैं सैमसंग ON5 फ्लैश फाइल, तो यहाँ पर देखिए आ गया सैमसंग G550FY। तो मैं आपको थोड़ा अच्छे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर, ओके, तो इसको आप यहाँ पर लिखा है, देखिए www.sammobile.com। आपको फ्लैश फाइल यहाँ से डाउनलोड करना है, क्योंकि यहाँ पर सब ओरिजिनल फ्लैश फाइल है। तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। देखिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको करना है लॉगिन पहले। तो मैं अभी यहाँ पर लॉगिन हो जाता हूँ। देखिए, लॉगिन होने के बाद देखिए मेरा नाम आ गया, दीपक समल। तो इसको हम अभी थोड़ा एक बार बैक कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर आ गया सैमसंग ON5 SM-G550FY। तो आपको यहाँ से देखिए इंडिया वाला वर्सन लाटे, देखिए 12/9/2017 में ये अपलोड हुआ है, 12/9/2017 में। तो आपको इसको क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर करना है रेगुलर डाउनलोड, क्योंकि फास्ट डाउनलोड को जरूरत नहीं है। आप यहाँ से कर ले दीजिए रेगुलर डाउनलोड, यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए। इसके बाद देखिए, तो अभी आपको ऐसे ही डाउनलोड करना है, क्योंकि अभी जरा सर्वर लिखे मेंटेनेंस में है। तो मैं पहले से इसको डाउनलोड करके रखा हूँ, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो मैं इसको तो पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ, ये वाला मॉडल। देखिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ G550Y। देखिए यहाँ पर, तो कैसे फ्लैश करते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। आपको यहाँ से ही डाउनलोड करना है फ्लैश फाइल। ओके, करने के बाद देखिए हमको करना है उडनी टूल। इसका टूल का नाम है ODIN, ठीक है, उडनी टूल। देखिए यहाँ से जाकर उडनी टूल को सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर लिखा है AndroidMTK.com। देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, लिखा है AndroidMTK.com। तो यहाँ से क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर ऑल वर्सन अवेलेबल है उडनी टूल का। देखिए, आप यहाँ से वर्सन लेटेस्ट वर्सन को किसी को डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ मैं यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेता हूँ उडनी टूल को। देखिए अभी डाउनलोड मेरा चल रहा है अभी। देखिए, मैं देखिए पीछे वाला सैमसंग का फ्लैश फाइल यहाँ से डाउनलोड किया हूँ, G550F वाला। तो अभी ये टूल डाउनलोड हो रहा है अभी। ओके, ये हो गया टूल अब डाउनलोड। तो इसको हम ले आते हैं बाहर। ओके, यहाँ पर आ चुका है ODIN3। तो इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। तो अभी ODIN3 को आप यहाँ से कर लीजिए एक्सट्रैक्ट फाइल, और कर लीजिए यहाँ से ओके। देखिए हमारा ODIN3 यहाँ पर आ चुका है, ODIN3। तो इसको कर लेते हैं हम ओपन, यहाँ से फिर कर लेते हैं ओपन, और ये ODIN3, इसको कर लेते हैं हम यहाँ से रन। ओके, देखिए अभी उडनी टूल डाउन ऑलरेडी खुल चुका है उडनी टूल हमारा। ओके, तो अभी हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना है एपी सिलेक्ट करना है। तो पहले हम इसको मिनिमाइज थोड़ा कर लेते हैं, और ये जो हमारा फ्लैश फाइल है इसको हम कॉपी करके यहाँ पर कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट फाइल, और हम करते हैं ओके।
तो फाइल अभी थोड़ा एक्सट्रैक्ट होने के थोड़ा टाइम लगेगा, उसको एक्सट्रैक्ट होने दीजिए। वो जब तक एक्सट्रैक्ट होता है तब हम क्या करते हैं, इसको हम लाते हैं डाउनलोड मोड में। तो सेट्स में डाल देना है बैटरी और लगाना है उसका बैक कवर, क्योंकि कभी कभी बैटरी हिल जाता है, तो अच्छे से इसको बैक कवर लगा लीजिए। ओके, और आपको करना है वॉल्यू माइनस और होम की, देखिए वॉल्यू माइनस, होम की और पावर बटन, कंटिन्यू लॉन्ग प्रेस करना है। देखिए अभी ये डाउनलोड मोड में आ चुका है, लिखा है देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ टू कंटिन्यू, वॉल्यूम डाउन टू कैंसिल, देखिए। तो हम करते हैं वॉल्यूम ऑफ तो कंटिन्यू, देखिए अभी आ गया ये डाउनलोड मोड में, देखिए रेड में लिखा है ओडनी मोड। ओके दोस्तों, ये डाउनलोड मोड में आ चुका है। तो अभी देखिए हमारे फ्लैश फाइल भी यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुका है, तो हम इसको अभी एफपी को सिलेक्ट करते हैं, एफपी ओनली एफपी को सिलेक्ट करना है, एफपी। तो एफपी को सिलेक्ट करके, एफपी को सिलेक्ट करके चलते हैं डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पे यहाँ पर देखिए होगा इसका फ्लैश फाइल G550FY का, तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, और कर लेते हैं यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर कर लेते हैं ओपन। तो अभी देखिए यहाँ पर लिख रहा है प्लीज़ वेट बोल के, देखिए यहाँ पर लिख रहा है प्लीज़ वेट। टाइम लगेगा, देखिए अभी आ गया चेकिंग एम, देखिए यहाँ पर लिखा है चेकिंग MDS फाइल सक्सेसफुली। ओके, तो अभी हमारा फाइल यहाँ पर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तो हमारा फ़ोन पहले से ही डाउनलोड मोड में है ऑलरेडी, देखिए डाउनलोड मोड में है। तो आप इसका ड्राइवर भी दे दीजिएगा, क्योंकि बिना ड्राइवर का ये नहीं होगा। तो ड्राइवर भी आप ढूंढ कर नेट से उड़ने के लिए आप ड्राइवर भी दे दीजिएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं इसको केबल को कनेक्ट। ओके, देखिए केबल को कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, जब कनेक्ट हो गया देखिए यहाँ पर दिखा रहा है आईडी कॉम, देखिए मेरा कॉम 19 शो कर रहा है यहाँ पर, देखिए थोड़ा आप आईडी कॉम देखिए यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद अभी कॉम आ चुका है। ओके, तो अभी यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर करते हैं इसको स्टार्ट, यहाँ पर देंगे स्टार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। देखिए अभी फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुका है, अभी स्टार्ट चल रहा है फ्लैशिंग। आप ऊपर तक देखिए सिस्टम में, देखिए ग्रीन कलर का लेबल बढ़ रहा है यहाँ पर, देख लिया आप। और आप फ़ोन को भी थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर फ़ोन में भी यहाँ पर शुरू हो चुका है ऑलरेडी, देखिए आप फ़ोन में भी आप चल रहा है आपका। ओके, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा आप वेट कीजिए, ये ख़त्म होने तक थोड़ा वेट कीजिए आप। लगभग देखिए दोस्तों 30% हो चुका है यहाँ पर, देखिए चल रहा है अभी, देखिए चल रहा है। और फ़ोन में भी देखिए लगभग 30-40% हो चुका है अभी, फ़ोन में भी चल रहा है। आराम से करिएगा इसको, और बैटरी आपका फुल चार्ज या फिर 50% ज़्यादा होना चाहिए। दोस्तों ड्राइवर मस्ट, ड्राइवर आपको देना ही देना है, अगर ड्राइवर ना मिले तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको हेल्प करूंगा ड्राइवर को देने के लिए आपको।
लगभग 80% हो चुका है और थोड़ा ही बाकी है। मैं आपको तो दिखा देता हूँ, फ़ोन में भी देखिए 80% हो चुका है। ओके, यहाँ पर भी चल रहा है। ओके, रिसेट। अभी देखिए फ़ोन ऑफ हो गया, अभी ऑन हो गया फ़ोन। देखिए यहाँ पर लिखा है रिमूव, देखिए यहाँ पर लिखा है रिमूव। ओके, तो देखिए अभी फ़ोन में चल चल रहा है। ओके दोस्तों, तो हम अभी फ़ोन का केबल को हटा लेते हैं। तो देखिए अभी चलने दीजिए उसको, क्या होता है नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इरेजिंग हो रहा है, सेट हैंग हो रहा था तो उसको फ्लैशिंग करना पड़ा। अभी हो गया है स्टार्ट। दोस्तों ऐसे थोड़ा टाइम लगेगा, जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आप ऐसे ही थोड़ा वेट कीजिएगा, 5-10 मिनट या 2 मिनट में हो सकता है या 5-10 मिनट लग सकता है। जब हो जाएगा तो आप अपना सेटअप कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। तो हम थोड़ा नहीं दोस्तों, अभी तो शुरू हो चुका है, देखिए कम्प्लीट हो चुका है। अभी और सेट ऑन हो गया, देखिए फटाक से। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो का अच्छा लगा तो ज़रूर और लाइक शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।